हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? और कितना पढ़ लिया आप? लगता है कुछ पढ़ते ही नहीं हैं, या फिर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं? क्या बात है बच्चों, मेरे पास कुछ तो आप क्वेरीज पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी बोल तो दो, मैडम हाँ हमने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? सो यू कैन गिव द फीडबैक कि मैडम आप ये कुछ मुझे फीडबैक तो दो कि क्या कमी है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? तो आप मुझे प्लीज़ मुझे बताइए कुछ, और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उस क्वेरी को कीजिए। और अभी तो चलिए आपके एग्ज़ाम्स हैं, बट आफ्टर द एग्ज़ाम्स मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप एटलीस्ट क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करेंगे। मैं हर लेक्चर में आपसे कहती हूँ कि बच्चों अपना क्वेश्चंस ज़रूर करो, 10 से 20 क्वेश्चन एवरी डे। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, वी हैव वेरी प्लेंटी ऑफ टाइम, सो दैट वी कैन यूज़ इट इन अ वेरी गुड वे। सो अगर हम उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे इस टाइम को, तो हमें उसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है इन द फ्यूचर। सो अब हम पढ़ाई की कुछ बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था। हमने फर्टिलाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड क्लीवेज भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब हमको पढ़ना है जनरल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। अभी जो हमने सारा पीछे का पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद जनरल स्टेजेस को हमें डिस्कस करना है कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं एक एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। जब जायगॉट के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जायगॉट बनता है, देन उसमें क्लीवेज होता है। आफ्टर द क्लीवेज उसमें और फर्दर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या उस चेंजेस को, स्पेसिफिक चेंजेस को हमने एक डिफाइन, हमने उसे डेफिनेशन दे करके हमने उसे एक क्या दे दिया, एक स्टेज का नाम दे दिया, एंड उसे हम स्टेजेस के फॉर्म में ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। सो हमें अब स्टार्ट करना है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि जनरल है, जो कि सभी एनिमल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रोस्पेक्टस, ये पूरा कॉमन स्ट्रक्चर है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ह्यूमन बींग्स, सो इट इज़ ओनली अबाउट द होल, ये जो पिक्चर है कि एम्ब्रियोनिक में कैसा कैसा चेंजेस आता है, वो हमें ब्रॉड लेवल पर हमें देखना है। प्रिसाइजली हम जो देखेंगे आज, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखेगा, हम देखेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी ज़्यादा कोई वैसा नहीं है, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, एक या दो पेज के अंदर वो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं उसको थोड़ा सा हमने स्पेसिफाई करके ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को एक अलग से टॉपिक बना लिया है। सो परेशान मत होना कि मैडम ने पहले क्या पढ़ाया और अभी क्या पढ़ा रही हैं। सो दैट इज़, हमने जो पीछे पढ़ा था वे ह्यूमन एज वेल एज हमने एक कंप्लीट एनिमल किंगडम के अंदर, यानी कि कॉर्डेट्स जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो हमने एक जनरल स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्लीवेज पढ़ लिया था, एंड आफ्टर द क्लीवेज हमने ये देख लिया था कि क्लीवेज के बाद हमने देख लिया था कि स्टेज, मैंने आपको वैसे ब्रीफ में आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, तो फिर भी हम यहाँ पर ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मोरूला जो है, हमने पढ़ा था कि मोरूला स्ट्रक्चर क्या है। मोरूला स्ट्रक्चर जो है वो क्लीवेज के बाद बनने वाला एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज़ अ 8 to 16 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम मोरूला कहते हैं। द स्टेज इज अ मोरूला एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मोरूलेशन। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए तीन स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो हमने मोरूला पढ़ा था, एंड द सेकेंड वन इज द ब्लास्टुला, एंड द थर्ड वन इज द गैस्ट्रुला। एंड गैस्ट्रुला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस जो है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गन के फॉर्मेशन के बाद क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट, सारे ऑर्गन्स कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाने के बाद एक वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन उसका फिर फर्दर ओनली डेवलपमेंट होता है। सो हमें यहाँ पर अब हम देख रहे हैं ब्लास्टुला स्टेज देख रहे हैं। सो व्हाट इज द ब्लास्टुला स्टेज? अब देखो यहाँ पर क्लीवेज हो जाने के बाद, अगर हम यहाँ देखें कि क्लीवेज अभी भी कंटिन्यू है, क्लीवेज कंटिन्यू होने पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्लीवेज कंटिन्यू होने पर यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर्स हैं, हम जो सेल्स बनती हैं
क्लीवेज से हम उन्हें क्या कहते हैं, टिल द एंड ऑफ द गैस्ट्रुला हम उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे. क्या कहेंगे उसे हम, ब्लास्टोमियर कहेंगे. एंड दैट ब्लास्टोमियर्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ मैनर, अरेंज करती हैं, दीज अरेंज देम, वो क्या करती हैं, अपने आप को अरेंज करती हैं. अरेंज किस फॉर्म में करती हैं कि आप पहले सुन लीजिए, ब्लास्टुला पे क्लीवेज के बाद मोरुला, एंड मोरुला जो आगे कंटिन्यू फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, एंड दैट फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो सेल्स डिवाइड होती जा रही हैं, सेल्स इंक्रीज होती जा रही हैं नंबर में, एंड साथ ही साथ अब मोरुला के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सेल्स हैं वो आपस में रीअरेंज होंगी, अब इनके अंदर मूवमेंट होगा. दैट मूवमेंट इज अ बिट स्लो, लेकिन इनके अंदर मूवमेंट हो रहा है, एंड दीज मूवमेंट्स की वजह से सेल्स क्या हो रही हैं, वो एग्रीगेट हो रही हैं. सेल्स क्या हो रही हैं, अरेंज कर रही हैं, अरेंज करने के लिए यानी कि सेल्स क्या हो रही हैं, अब यहाँ पर एग्रीगेट हो रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जब ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर सेल्स अरेंज कैसे हो रही हैं, सेल कैसे एग्रीगेट हो रही है, ऐसा क्या फिनोमिना हो रहा है कि जिसकी वजह से ब्लास्टोमियर्स जो हो रही हैं वो इधर उधर भागते हुए सेल एग्रीगेट हो रही हैं. और इसे हम एग्रीगेशन को हम कोहेशन भी कह सकते हैं. एग्रीगेशन को हम क्या कह रहे हैं, कोहेशन, यानी कि आपस में चिपक रही हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं. एंड दिस लीड्स टू सेल एग्रीगेशन होने की वजह से एक जगह पर एग्रीगेट हो रही हैं. एंड एग्रीगेशन मान लीजिए ये मोरूला था और यहाँ पर बहुत सारी सेल्स क्या थी, सेल्स थी. अब ये जो सेल्स हैं किसी वजह से क्या कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं और एक जगह पर जाकर के क्या हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं. एंड दीज सेल्स जिसकी वजह से एक यहाँ पर कैविटी बन रही है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं, ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, ये तो जो कैविटी है जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, और यहाँ पर कैसे आता है इसको हम अभी नहीं देख रहे हैं, हमें सिर्फ इतना देखना है कि सेल्स आपस में रीअरेंज होकर के एक कैविटी फॉर्म कर रही हैं. जब ये रीअरेंज होंगी तो क्या होगी, एक स्पेस बनाएंगी, और उस स्पेस को हमने क्या कह दिया है, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील हमने उसे नाम दे दिया है. क्या कहा है, हमने इसे नाम दिया है ब्लास्टोसील. नाउ यहाँ पर क्या होता है कि ये ब्लास्टोसील, ये जो ब्लास्टोसील बनी है इसके चारों ओर सराउंडिंग में सेल्स अरेंज होती हैं, एक यूनिसेलुलर फॉर्म में अरेंज होती हैं. एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ द सेल सराउंडिंग द ब्लास्टोसील इज अ कॉल्ड एज ब्लास्टोडर्म. इसे हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोडर्म कह रहे हैं. तो ब्लास्टोडर्म बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने ये बनाया और इसमें ये मान लीजिए कैविटी बनी है, इस कैविटी के चारों ओर जो सेल है वो कैसी है, उसको हमने क्या नाम दिया है, लेयर को ब्लास्टोडर्म नाम दिया है. ओके, सो इसके बाद ये जो स्टेज है जिसके अंदर कैविटी बन रही है ब्लास्टोसील के फॉर्म में और ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन प्रोसेस कह रहे हैं. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 16 स्टेजेस के अंदर, 16 से 32 के बीच में ये स्टेज रहती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुला कहते हैं ये स्टेज को. सो ब्लास्टुला जो है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लास्टुला जो है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अटेन किए हुए रहता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि एग जो होता है, एग गैमेट जो होता है, या फिर हम यूँ कहें कि जायगॉट के अंदर योग की प्रेजेंस जो होती है, योग की प्रेजेंस है, अगर उसमें योग प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसका क्लीवेज अलग होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होगा. ये हम सब पढ़ के आ चुके हैं, क्लीवेज के अंदर पढ़ के आए हैं. सो यहाँ पर उसकी वजह से, योग अमाउंट की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लास्टुला जो है अलग अलग एनिमल्स के अंदर, जिनके अंदर योग अमाउंट जो है डिफरेंट होता है, उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्टुला का जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज द ब्लास्टुला. ये ब्लास्टुला के 6 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज द सीलो ब्लास्टुला, देन डिस्को ब्लास्टुला,
स्टीरियोब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, एम्फीब्लास्टुला, पेरी और सुपरफिशियल ब्लास्टुला. ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन इज, जिसका एग्जाम्पल है सीलोब्लास्टुला का है सीलेंट्रेटेरेटा, या फिर आप इसे कंप्लीटली आप इसे कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स. क्या है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, कैसा ब्लास्टुला होता है, सीलो ब्लास्टुला टाइप का ब्लास्टुला हमें देखने को मिलता है. वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक ही लेयर होती है जिसे हम ब्लास्टुला ब्लास्टोडर्म कहते हैं. ठीक है, एक ही लेयर होती है सेल्स की और वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ये इसे हम कह रहे हैं ब्लास्टोडर्म. एंड दिस ब्लास्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट है इस ब्लास्टोडर्म किसको भी कवर सराउंडेड किए हुए है, सीलोम को, सॉरी सील को, ब्लास्टोसील को. तो ये ब्लास्टोसील हो गया एंड दैट्स व्हाई हमने इसका नाम रखा है सीलो ब्लास्टुला रखा है. क्या है, ब्लास्टोसील के चारों ओर ब्लास्टोडर्म जो है वो अरेंज हो जाती है, सेल्स जो अरेंज हो रही हैं ब्लास्टोसील के चारों ओर उसे हम कह रहे हैं ब्लास्टोडर्म. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सीलो ब्लास्टुला, विच इज अ वेरी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ द ब्लास्टुला. नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज द डिस्को ब्लास्टुला. नाउ वॉट इज द डिस्को ब्लास्टुला, देखो बच्चों डिस्को ब्लास्टुला जो है हमने देखा था बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में, हाईली अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, योग प्रेजेंट होता है. और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेगालेसिथल कंडीशन कहते हैं. और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, सेंट्रो होता है. और यू कैन से सो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में कैसा होता है, एग मेगालेसिथल होता है. अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो ठीक है, यहां पर इतने हिस्से में तो क्या प्रेजेंट है, योग प्रेजेंट है एंड इसके चारों ओर अब यहां पर क्या बन रही है, ब्लास्टोडिस्क बन रही है. ब्लास्टोडिस्क हमने बेसिकली क्या कहा है कि यहां पर जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कुछ यहां पर सेल अरेंज हो रही हैं एंड इसे हमने कहा है, क्या कहा है, हमने इसे कहा है ब्लास्टोडिस्क कहा है एंड डिस्को ब्लास्टुला इस स्ट्रक्चर को कहेंगे. यहाँ पर ये कुछ सेल्स निकल करके इसे हम कह रहे हैं सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं. क्या कह रहे हैं, सब जर्मिनल कैविटी कह रहे हैं. एंड नाउ दी सब जर्मिनल कैविटी जो है यहाँ से कुछ सेल्स निकल के एक और लेयर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं हम इसे, हाइपोब्लास्ट. अभी हमें ज्यादा नहीं जाना है, हमें बस इतना समझना है कि हाइपोब्लास्ट और ये आगे चल के क्या बनाती है, एक्टोडर्म बनाती है. आगे चल के क्या बनाती है, एक्टोडर्म. एक्टोडर्म क्या है, जर्म लेयर है. इसे हम कह रहे हैं हाइपोब्लास्ट कह रहे हैं एंड इसे नाउ जो यहां पर जो प्रेजेंट है अब हम इसे कहेंगे ब्लास्टोसील. ये तो थी सब जर्मिनल कैविटी के अंदर एक और लेयर बन गई जिसको हमने क्या कह दिया था, हाइपोब्लास्ट कह दिया था. नाउ दिस हाइपोब्लास्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ब्लास्टोसील. ये देखो ये यहाँ पर सेल्स क्या बन गई हैं, ये इसे हम कह रहे हैं ब्लास्टोसील. क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं ब्लास्टोसील. दिस इज द हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, हम इसे कह रहे हैं ब्लास्टोसील कह रहे हैं. और ये हाइपोब्लास्ट है जो मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, उसे हम क्या कह रहे हैं, हाइपोब्लास्ट एक्टो, जो कि आगे चल के क्या बना रही है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगी. ठीक है, सो इसे हम कह रहे हैं डिस्को ब्लास्टुला. बेसिकली डिस्को ब्लास्टुला जो है ये अभी हमें 3D स्ट्रक्चर में हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे ऊपर से देखें तो हमें ऐसा ही लगेगा कि एक डिस्क फॉर्मेशन हुई हुई है
डिस्क फॉर्मेशन के बीच में, नीचे तो है योक यहाँ पर प्रेजेंट है एंड उसके ऊपर जो लेयर है ये चारों तरफ की लेयर है और उसके बीच में एक लेयर जो प्रेजेंट है उसे हमने क्या कहा है, हाइपोब्लास्ट कहा है, हाइपोब्लास्ट। और इस लेयर के बीच में जो कैविटी है उसे हम कह रहे हैं ब्लास्टोसील कह रहे हैं। नाउ अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, और ये किसमें डिस्कोब्लास्टुला किसमें प्रेजेंट होता है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर। नाउ अब हम देखेंगे स्टीरियोब्लास्टुला। स्टीरियोब्लास्टुला का क्या होता है, स्टीरियोब्लास्टुला के अंदर ये होता है मॉलस्कंस के अंदर होता है, मॉलस्कंस के अंदर देखने को मिलता है स्टीरियोब्लास्टुला। यहां पर ये जो सेल्स हैं एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होती हैं। यहाँ पर सीलों, यहाँ पर जो कैविटी है ब्लास्टोसील जो होती है वो एब्सेंट होती है, ये एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टीरियोब्लास्टुला कहते हैं, दैट इज सीन इन द मॉलस्कंस। नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले, अब हम ब्लास्टोसिस्ट को सबसे लास्ट में उठाएंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं एम्फीब्लास्टुला, दैट इज फाउंड इन द फ्रॉग। सो एम्फीब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, दो टाइप्स की सेल्स बनती हैं, एक तो बनती है स्मॉल सेल्स बनती हैं जिनको हम माइक्रोमेयर्स कहते हैं, एंड कुछ यहाँ पर इररेगुलर शेप में यहाँ पर कुछ बड़ी सेल्स बनती हैं और उनको हम कहते हैं मेगा सेल्स, मेगा मेयर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मेगा मेयर्स कहते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्फीब्लास्टुला, यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग पोल्स में क्या बन गई, दो टाइप्स की सेल बन गई, जो कि एक तो है स्मॉल और एक है थोड़ी सी साइज में बड़ी, तो उसे हमने क्या कह दिया, मेगा मेयर्स कह दिया, मेगा मेयर, एंड इसे हमने किया है कहा है माइक्रो मेयर। ब्लास्टोमेयर की जगह हम इसे कह सकते हैं, दीज आर द ब्लास्टोमर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द ब्लास्टोमर इन अ एग ऑफ द फ्रॉग। नाउ इफ अब हम बात करेंगे पैरी और सुपरफिशियल ब्लास्टुला के बारे में। नाउ पैरी एंड सुपरफिशियल ब्लास्टुला क्या होता है, पैरी एंड सुपरफिशियल ब्लास्टुला के अंदर हम, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंसेक्ट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, और इंसेक्ट्स में मैंने आपको बताया था कि ये पैरी मतलब पेरीफ्री पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, एंड दैट न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, पेरीफ्री पर प्रेजेंट है, तो हमें देखने पर ऐसा लगता है कि ये पेरीफ्री एकदम सुपरफिशियल ब्लास्टुला, ऊपर से देखने पर एकदम देखने को लगता है कि पैरी ब्लास्टुला जिसको हम कह रहे हैं, पैरी का मतलब है जो कि परिधि यानी कि पेरीफ्री पर प्रेजेंट है, उसे सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं पैरी और सुपरफिशियल ब्लास्टुला स्टेज कह रहे हैं। नाउ और ये है सील, ब्लास्टो सील कह रहे हैं। सो अब ये तो हो गए आपके पांच टाइप के ब्लास्टो ब्लास्टुला स्टेजेस हो गए। अब हम बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। सो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में अगर हम देखें तो अभी मैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे अलग से तब हम उसमें और डिटेल में देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, लेकिन वहाँ पर जब ब्लास्टुला बनता है तो ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि बाहर की कुछ सेल्स होती हैं वो फ्लैटेंड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, डिवाइड होकर के, फ्लैटेंड होकर के और बड़ी हो जाती हैं, एंड दीज सेल्स अराउंड सराउंड द एम्ब्रियो इन अ सिंगल लेयर, और इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। नाउ यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, अदर जो सेल्स हैं वो एक पोल पे जाकर के क्या हो जाती हैं, सिचुएटेड हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड इज इनर एम्ब्रियोनिक्स, इनर सेल मास हम जिसको कह रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर जितनी अदर जो सेल्स थी वो कहाँ जाकर के, एक पोल पर जाकर के शिफ्ट हो गए, जिसको हम देखेंगे कि ये कैसे बना है। सो अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है, इसे हमने कह दिया इनर सेल मास, ठीक है, इसके और भी नाम है जिसको हम आगे देखेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किस जब हम स्टडी करेंगे। नाउ ये तो है ट्रोफोब्लास्ट, और यहाँ एक जगह
प्रेजेंट है, सिचुएटेड है इनर सेल मास। यहाँ पर जो है ये एक तरह से सिस्ट के फॉर्म में लगता है, ये यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये कुछ ऐसा सिस्ट के जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम रखा है ब्लास्टोसिस्ट नाम रखा है। सो इसके स्ट्रक्चर को अभी हम आगे और अच्छे से देखेंगे। सो फिलहाल इतना ही समझना है कि दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट। ये जब मोरूला बना था, मोरूला पे जो सेल्स थी वो बाहर जाकर के एक लेयर, आउटर साइड पर एक लेयर बना रही हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है, ट्रोफोब्लास्ट नाम दिया है। एंड दीज ट्रोफोब्लास्ट अरेंज देमसेल्फ्स बाय सराउंडिंग द सेल, जो एम्ब्रियो को सराउंड करते हुए बना रही है उसे हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा है, और जो बाकी जो अदर सेल्स है वो क्या कर रही हैं, इनर सेल मास बना रही हैं। सो बेसिकली एम्ब्रियो का जो जनरेशन है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं सेल्स की वजह से होता है। फिर ट्रोफोब्लास्ट का अब यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कोई भी रोल नहीं होता है। सो यहाँ पर जो इनर सेल मास है वो ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगी। सो ये यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गया है ब्लास्टुला। यहाँ पर अभी तक क्लीवेज प्रोसेस क्या हो रहा था, वो हो रहा था, ब्लास्टोमियर्स बन रहे थे और चेंजेस हो रहे थे, सेल एग्रीगेट हो रही थी, आपस में एग्लूटिनेशन कर रही थी, चिपक रही थी एक दूसरे के, और वो ऐसे खिसक खिसक के बीच में, अगर इतने जनों की भीड़ यहाँ बैठी हो और वो हमें उस बीच में किसी व्यक्ति को हमें खाली स्थान करना हो, कोई स्पेस हमको लेकर के आना हो, तो हम कैसे करेंगे, हम सारे के सारे क्या खिसकते जाएंगे एक दूसरे में, एकदम पास पास बैठेंगे, जिससे कि क्या बन जाए, स्पेस बन जाए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पर सेल्स क्या होती हैं, मूवमेंट करती है, मूवमेंट कर करके ये एग्रीगेट होती हैं एक प्लेस पर जाकर के, और यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्म करती है जिसको हम कह रहे हैं ब्लास्टोसील कह रहे हैं। नाउ दीज ये स्टेज हो गई आपकी कंप्लीट द ब्लास्टुला, और उसके हमने पढ़ लिए थे टाइप्स पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ द ब्लास्टुला देखने को मिलते हैं, एज वेल एज यहाँ पर ब्लास्टोसील भी बनती है, ठीक है, अरेंज करती हैं, मूवमेंट करती हैं एंड फॉर्म द ब्लास्टोडर्म, ठीक है, ब्लास्टोसील एंड द ब्लास्टोडर्म यहाँ पर बनती है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज के बारे में, दैट इज द गैस्ट्रुलेशन। ये जो गैस्ट्रुलेशन है आफ्टर द ब्लास्टुला बनने के बाद जो प्रोसेस होता है कि ये पहले यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अटेन करती हैं, आफ्टर दैट इसमें अगेन कुछ फर्दर चेंजेस होते हैं, एंड दैट चेंजेस लीड्स टू द गैस्ट्रुलेशन। एंड गैस्ट्रुलेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज द स्टेज इन विच 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, ही जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, और उन जर्म लेयर्स का नाम क्या है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या नाम है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, यहां पर इनका नाम है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि उससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो क्लीवेज है उसका जो रेट है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। दैट मीन्स अब यहाँ पर G1 एंड G2 फेज जो है वो अपीयर होने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों, अपीयर होने लगता है, यानी कि क्लीवेज प्रोसेस अब स्लो हो गया है। स्लो क्यों हो गया है, कि नाउ दे वॉन्ट सम मटीरियल टू प्रिपरेशन फॉर दी सेल डिविजन। सेल डिविजन यहाँ पर अगेन हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्लीवेज प्रोसेस रुक जाएगा और सिंपल माइटोसिस यहाँ पर होगा। एंड सिंपल माइटोसिस में आप जानते हैं कि वहाँ पर 4 स्टेजेस होती हैं जिसको पार करना जरूरी है, G1, S1, S फेज, G2 फेज एंड देन द लास्ट मैचुरेशन फेज। सो यहाँ पर G1 और G2 फेज क्या होने लगती है, अपीयर होने लगती हैं। सो और यहाँ पर खास बात क्या होती है कि यहाँ पर एम्ब्रियोनिक जीन्स जो होते हैं, एम्ब्रियोनिक जीन्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस। क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक जीन्स हैं, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स
ओनली इन द गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन से पहले जो है, गैस्ट्रुलेशन से पहले किसी भी तरह का कोई भी जीन का यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं होता है। ओनली यहाँ पर अगर मैं यहाँ तक जितनी भी सेल्स हैं, ब्लास्टुला तक जितनी भी सेल्स हैं, अगर उसमें से मैं न्यूक्लियस हटा दूँ या शुरुआत में ही मैं कोई न्यूक्लियस हटा दूँ जायगॉट के अंदर से ही, स्टिल वो डिवाइड होंगी, डिवाइड होके मोरूला बनाएगी, ब्लास्टुला भी बना लेगी। लेकिन ब्लास्टुला के बाद का जो फर्दर डेवलपमेंट है यानी कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है, वो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि गैस्ट्रुलेशन को होने के लिए क्या चाहिए, एम्ब्रियोनिक जीन्स का यहाँ पर एक्सप्रेस होना जरूरी है। एम्ब्रियोनिक जीन्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, उस एम्ब्रियो के खुद के जीन्स, वो खुद के जीन्स एक्सप्रेस करेगा बनाने के लिए, कि उसका बॉडी फॉर्मेशन के लिए अब वो उसी के जीन्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, सो ये है गैस्ट्रुलेशन के कुछ पॉइंट्स जिसके अंदर हम देखेंगे कि जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंड क्लीवेज रेट स्लो हो चुका है, एज वेल एज एम्ब्रियोनिक जीन्स जो है वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, एक्सप्रेस हो गए हैं। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स आते हैं समझने के लिए, वो दो पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर टू स्टेजेस के अंदर गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। बेसिकली यहाँ पर एक खास बात ये होती है कि यहाँ पर सेल का मूवमेंट होता है, सेल का मूवमेंट तो ब्लास्टुला में भी होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। सेल मूवमेंट यहाँ पर कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर सेल मूवमेंट जो है वो स्लो होता है, लेकिन यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन के अंदर सेल का मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, और फास्ट ये मूवमेंट करते करते एट लास्ट ये थ्री जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना रही है, सेल मूवमेंट फास्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, फास्ट। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड सेल मूवमेंट, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट जिसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कह रहे हैं ना। यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने सुना हो ध्यान से, कि नाउ अब यहां पर सेल्स क्या हो जाती हैं, डिसाइड कर लेती हैं। डिसाइड क्यों कर पा रही हैं, क्योंकि अब उनके अंदर जीन्स का एक्सप्रेशन हो चुका है। नाउ जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर जीन्स का एक्सप्रेशन हो चुका है, अब वो अपना फेट, यानी कि अब उनका फेट डिसाइड हो चुका है, डिटरमाइंड हो चुके हैं कि अब हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, हम अपना गोल चेंज नहीं करेंगे, हमें नर्वस सिस्टम बनाना है तो हम नर्वस सिस्टम ही बनाएंगे और कोई सेल नहीं बनाएंगे। सो अगर मुझे एपिडर्मिस बनाना है तो मैं एपिडर्मिस ही बनानी है और कोई सेल नहीं बनाऊंगी। सो यहाँ पर सेल्स क्या कर लेती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं इन द डिफरेंट जर्म लेयर्स, एंड दैट डिफरेंट जर्म लेयर्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस डिफरेंट, एंड ये कहाँ हेल्प करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को बनाने में हेल्प करेंगी। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता है सेल्स का। नाउ सेकेंड जो पॉइंट है वो है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। नाउ मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट जो है इसको अगर हम देखें तो ये भी टू टाइप्स का होता है, एपिबॉली एंड एम्बॉली। अब देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, एपिबॉली मूवमेंट और एम्बॉली मूवमेंट क्या है। एपिबॉली मूवमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए ये ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद इसके अंदर सेल्स जो है वो मूवमेंट तेज हो गया है, मूवमेंट तेज होने की वजह से अब ये इधर उधर भागती रहेंगी। नाउ एपिबॉली के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ सेल्स जो होती हैं सरफेस पर, जो सेल्स होती हैं दे यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट करती हैं, और क्या करती हैं, डिवाइड होते होते आगे बढ़ती जाती हैं, क्या करती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और यहाँ पर कम्प्लीटली आकर के इसको कवर कर लेती है, और यहाँ पर जो सेल लेयर्स जो बनती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। सो यहाँ पर इसे क्या कह सकते हैं हम, कि ये वो सेल्स है जो कि आगे चल कर के फ्यूचर एपिडर्मल सेल्स आर गोइंग टू, ये क्या कर रही हैं, सरफेस पर जाकर के सिचुएटेड हो रही हैं, वहाँ पर जाके अरेंज हो रही हैं, एंड देन
वो क्या कर रही है, डिवाइड होते होते अरेंज भी होती जा रही हैं और वो आगे चल के क्या बना रही हैं, एपिडर्मिस बना रही हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो इस मोमेंट को हम कहते हैं एपी, एपी का मतलब है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब है एक्टोडर्म, तो एपिडर्मिस कौन बनाता है, एक्टोडर्म। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि एपिबॉलिक मूवमेंट क्या होता है, कि यहाँ से सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं, ये मूवमेंट कर रही हैं और यहाँ तक आके पहुँच गई और चारों ओर से कवर कर लिया है एम्ब्रियो को, उसको हम कहते हैं मूवमेंट को एपिबॉलिक मूवमेंट कह रहे हैं। नाउ एम्बॉलिक मूवमेंट क्या होता है, एम्बॉलिक मूवमेंट के अंदर जो अंदर वाली सेल्स हैं वो आपस में अरेंज होती हैं, अंदर वाली सेल्स अरेंज होकर के एक डिफरेंट लेयर्स, यहाँ पर इनवेजिनेट ये जो सेल्स हैं यहाँ पर अंदर जाती हैं, ये सेल्स जो है कुछ इधर वाली कुछ सेल्स हैं, नीचे वाली जो सेल्स हैं ये अंदर इनवेजिनेट होंगी और इनवेजिनेट होते होते ये आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ते बढ़ते एक क्या बनाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनाएंगी। एम्बोली बहुत कुछ 6-7 इसके टाइप्स होते हैं कि इनका मूवमेंट, एम्बोली इज अ काइंड ऑफ अ मूवमेंट, और इसके भी 6-7 टाइप है जो कि आपके नोट्स में नहीं दिया गया है तो हमें नहीं पढ़ना है, तो हमें सिर्फ इतना समझना है एम्बोली मूवमेंट जो होती है वो फ्यूचर मीजो एंड एंडोडर्मल सेल्स के अंदर जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्बोली मूवमेंट होता है। वो अंदर की तरफ मूव करती है, कहाँ करती है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, उसको हम कहते हैं एम्बोली मूवमेंट कहते हैं। सो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया गैस्ट्रुलेशन। सो गैस्ट्रुलेशन में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। सो गैस्ट्रुलेशन के अंदर 3 जर्म लेयर्स बन रही हैं, तो 3 जर्म लेयर्स जो हैं अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म क्या करती है, एपिडर्मिस का फॉर्म करती है। ये जो आपकी स्किन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट इज द एपिडर्मिस एंड द सेकेंड जो ब्रॉड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। सो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन तो कौन कर रहा है, एक्टोडर्म कर रहा है। आई के लेंस का फॉर्मेशन एक्टोडर्म कर रहा है, ठीक है। और आपके जो हेयर है, नेल्स है, उनका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एक्टोडर्म कर रहा है। कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है, एक्टोडर्म कर रहा है। एंड उसके अलावा अब हम बात करें मीजोडर्म की, तो मीजोडर्म भी बहुत सारे फॉर्मेशन करता है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, इन सब का फॉर्मेशन कौन करता है, मीजोडर्म करता है। यानी कि मीजोडर्म की सेल से ही न्यूरल सेल्स बनेंगी, उसी से ही हार्ट की सेल्स, हार्ट बनेगा, उसी से ही किडनी बनेगा, एंड एज वेल एज टेस्टीज, ओवरीज जो है हमने पढ़ा था कि ओरिजन में वो मीजोडर्मल ओरिजन होती है, है ना, और उसके साथ साथ किडनी का फॉर्मेशन भी यही करता है। किडनी का जो सिस्टम है, यूरिनरी ब्लैडर हो, इन सब का फॉर्मेशन मीजोडर्म करता है। जितनी भी आपके मसल्स हैं उनका फॉर्मेशन भी, उनका जो ओरिजन है वो क्या है, मीजोडर्म है। नाउ एंडोडर्म की अगर बात करें तो जनरली जितने भी ऑर्गन्स हैं अंदर, ठीक है, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इन सब का फॉर्मेशन कौन करता है, डर्मिस का फॉर्मेशन एंडोडर्म करता है। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स, आपके बुक में, आपके नोट्स में आपको और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो यू कैन सी देम, और थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस जो हैं पूछ, जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए जनरली वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन द नेट, नीट के अंदर आपके लिए पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन, कौन सी जर्म लेयर जो है वो फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। सो दिस इज द गैस्ट्रुलेशन एंड ब्लास्टुला, यानी कि ब्लास्टुलेशन एंड मोरुलेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ये हमारा जनरल स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे।